मूवी का स्टार्ट एक बच्ची से होता है जिसका नाम एबिगेल है। वो अपने डैड जोनाथन के साथ जंगल में खेलते हुए गुम हो जाती है, लेकिन जोनाथन उसे ढूंढ लेता है और उसे सिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में स्टार्स की हेल्प से रास्ता ढूंढा जा सकता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं जहां सिक्योरिटी का हेड गैरेट जोनाथन से मिलने आता है। गैरेट जोनाथन से कहता है कि उसके पास उसे और उसकी टीम को अरेस्ट करने का वारंट है, इसलिए जोनाथन को उसके साथ जाना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनाथन एक साइंटिस्ट है और अपनी टीम के साथ लैब में काम करता है। जोनाथन गैरेट से कहता है वो उसे कुछ टाइम दे, उसके बाद वो उसके साथ चला जाएगा। गैरेट उसे कुछ आवर्स का टाइम देता है। उसके फौरन बाद जोनाथन अपनी लैब में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स छुपाने लगता है। एबिगेल उसे ये सब करते देख लेती है। जोनाथन एबिगेल को उसके रूम में लेके जाता है और उसे एक लॉकेट देते हुए कहता है वो हमेशा उसे पहन के रखे। एबिगेल को लॉकेट बहुत पसंद आता है, वो उसे पहन लेती है और सो जाती है। कुछ देर बाद एबिगेल अपनी मॉम मार्गरेट की चीखों की वजह से जागती है, जो जोनाथन के अरेस्ट होने पर चिल्ला रही थी। एबिगेल बाहर जाती है और देखती है गैरेट ने जोनाथन और उसकी टीम को किसी वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया है और वो गैरेट के कार के पीछे भागती है, लेकिन वो लोग उसके डैड को लेके चले जाते हैं। यहाँ एबिगेल अपने डैड को लास्ट टाइम देखती है। अब हम देखते हैं एबिगेल बड़ी हो चुकी है। वो अपने बेड पे सो रही है और सोते हुए हवा में उड़ रही है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो बेड पे गिर जाती है। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो सोते हुए उड़ रही थी। वो अपने डैड का दिया हुआ लॉकेट पहनती है और घर से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि बायोलॉजिकल वॉर की वजह से एबिगेल के सिटी में एक इन्फेक्शन फैला हुआ है और उनके सिटी को उस इन्फेक्शन की वजह से सील कर दिया गया है। ये इन्फेक्शन इतना डेंजरस है कि उसके कोई सिम्टम्स नहीं है। सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर मास्क पहन के रोज लोगों की आईज को एक डिवाइस से चेक करते हैं। डिवाइस डिटेक्ट करती है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। जो इंसान इन्फेक्टेड होता है उसे वो अपने साथ ले जाते हैं। इसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने की वजह से जोनाथन और उसकी टीम को भी अरेस्ट किया गया था और इस ऑपरेशन को गैरेट हैंडल कर रहा है। एक रात एबिगेल अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है, तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और एबिगेल से कहता है उसे एबिगेल को इंस्पेक्ट करना है, लेकिन एबिगेल उसे खुद को चेक करवाने से मना कर देती है। गार्ड एबिगेल को जबरदस्ती इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। एबिगेल उससे लड़ती है और लड़ाई के दौरान उस गार्ड का मास्क उतर जाता है। गार्ड का मास्क उतरने पर एबिगेल को पता चलता है कि वो गार्ड रॉय है, जो उसके डैड की टीम का मेंबर था और उस रात उसके डैड के साथ अरेस्ट हो गया था। एबिगेल बहुत हैरान होती है और पकड़े जाने के डर से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन एक गार्ड फिर से एबिगेल का पीछा करने लगता है और उसे फॉलो करते हुए उसके घर आ जाता है। गार्ड के घर आते ही मार्गरेट पीछे से उसके सर पर कुछ मारती है और वो बेहोश हो जाता है। वो उसका मास्क उतारती है तो उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड रॉय ही है। मार्गरेट और एबिगेल उसे देख के हैरान हो जाती है। एबिगेल अपनी मॉम से कहती है अगर रॉय जिंदा है तो इसका मतलब है उसके डैड भी जिंदा है और वो उनसे मिल सकते हैं। मार्गरेट और एबिगेल रॉय के होश में आते ही उससे पूछती है वो गार्ड्स की कैद से कैसे आजाद हुआ और जोनाथन कहाँ है। रॉय के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो उन्हें बताता है कि उसे अरेस्ट करने के बाद गार्ड्स ने उसे दो ऑप्शंस दिए थे, या वो उनके साथ काम करे या फिर उसे भी इन्फेक्टेड जोन में डाल दिया जाएगा। रॉय कहता है उसने इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया और अपनी फैमिली को गार्ड से प्रोटेक्ट रखने के लिए एक सीक्रेट प्लेस पर छुपा दिया ताकि वो उनको अरेस्ट ना कर ले। इस सब के बाद एबिगेल रॉय को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है अगर उसने उसे उसके डैड तक नहीं पहुंचाया तो वो गार्ड्स को उसकी फैमिली के बारे में बता देगी। रॉय अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे बताता है सिर्फ ईथन जानता है कि जोनाथन कहाँ है। ईथन उसके डैड का पार्टनर है। एबिगेल को रॉय की पॉकेट में कुछ नजर आता है, वो उसे निकाल लेती है। ये सिटी का इंटरनल मैप है जो ईथन के ऑफिस से होते हुए एक टनल तक जाता है। एबिगेल मैप मिलते ही जोनाथन को ढूंढने निकल जाती है। मैप के रास्ते से जाते हुए उसे एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है। वो देखती है गैरेट कुछ लोगों को टॉर्चर कर रहा है। एबिगेल डर जाती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है और ईथन के ऑफिस में पहुँचती है। ईथन के ऑफिस
ऑफिस में उसे एक फाइल मिलती है जिसमें इन्फेक्टेड लोगों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन उसे अपने डैड का नाम कहीं नजर नहीं आता। इतनी देर में ईथन अपने ऑफिस में आ जाता है। एबिगेल ऑफिस से छुपते हुए बाहर निकलती है और ईथन की कार में छुप जाती है ताकि ईथन को फॉलो कर सके। ईथन कुछ देर बाद ऑफिस से बाहर आता है और ड्राइव करने लगता है। कुछ देर ड्राइविंग के बाद उसकी कार के सामने एक हुडेड आदमी आ जाता है और ईथन को जबरदस्ती एक बिल्डिंग तक ड्राइव करने के लिए कहता है और बिल्डिंग पहुंचते ही उसे अंदर ले जाता है। ईथन के बिल्डिंग में जाते ही एबिगेल भी जल्दी से उन्हें फॉलो करती है। बिल्डिंग में वो देखती है कुछ इन्फेक्टेड लोगों को एक टनल में भेजा जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। बिल्डिंग से बाहर आते ही वो देखती है टू ग्रुप्स में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है और कोई बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं कर रहा बल्कि सब मैजिक से लड़ाई कर रहे हैं। मैजिक का एक अटैक एबिगेल को लगता है जिससे वो उड़ते हुए कहीं दूर जाके गिरती है और फेंट हो जाती है। उसका लॉकेट कहीं दूर गिर जाता है। उसको गिरते देख वो हुडेड मैन उसे उठा के ले जाता है। बेहोशी में एबिगेल को एक ड्रीम आता है जिसमें जोनाथन उसे एक स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि इस दुनिया में नॉर्मल पीपल के अलावा कुछ गिफ्टेड लोग भी रहते हैं जिनके पास मैजिक करने की पावर्स हैं। उन्हें स्ट्रेंजर्स कहा जाता है। स्ट्रेंजर्स को उनकी आईज से पहचाना जाता है क्योंकि उनकी आईज ऑर्डिनरी पीपल से बहुत अलग होती है। उनकी आईज कलरफुल होती हैं और शाइन करती रहती हैं। वो बताता है इन स्ट्रेंजर्स का एक लीडर है जो चाहता था उसके अलावा कोई दूसरा इंसान मैजिक ना कर सके, इसलिए उसने सब स्ट्रेंजर्स की पावर खत्म करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक स्ट्रेंजर इन्वेंटर होता है। वो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिसकी हेल्प से स्ट्रेंजर्स की आईज नॉर्मल पीपल जैसी हो जाती हैं। इस वजह से लीडर स्ट्रेंजर्स को पहचान नहीं पाता और उसका प्लान फेल हो जाता है। इस तरह सभी स्ट्रेंजर्स सिटी में आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जल्द ही लीडर को इस डिवाइस के बारे में पता चल जाता है और वो इन्वेंटर से वो डिवाइस छीन लेता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि वो लीडर और कोई नहीं बल्कि गैरेट है और वो इन्वेंटर जोनाथन है। गैरेट ने स्ट्रेंजर्स को पकड़ने के लिए सिटी में इन्फेक्शन की झूठी खबर फैलाई और सब स्ट्रेंजर्स को डिवाइस के जरिए ढूंढना स्टार्ट किया और उन्हें ढूंढ के एक जगह कैद करना शुरू कर दिया। सीन एबिगेल पे शिफ्ट होता है जो एक एरिया के रूम में है और होश में आ चुकी है। ड्रीम के बाद एबिगेल को अंदाजा होता है कि वो स्ट्रेंजर की सिटी में रहती है और जिस एरिया में वो इस वक्त मौजूद है वहाँ सब स्ट्रेंजर्स रहते हैं। ये एरिया सिटी का सबसे स्लम एरिया है और यहाँ गार्ड्स बहुत कम आते हैं। अगर गार्ड्स इंस्पेक्ट करने आए भी तो सब स्ट्रेंजर्स अपना रूप बदल लेते हैं और अपने घरों में छुप जाते हैं। इसी जगह एबिगेल स्पेंसर से मिलती है जो न्यू स्ट्रेंजर्स को मैजिक सिखाता है। स्पेंसर देख के पहचान जाता है कि वो भी एक स्ट्रेंजर है। वो एबिगेल को बताता है कि वो बहुत खास स्ट्रेंजर है। उसमें ऐसी पावर्स हैं जो 100 में से किसी एक स्ट्रेंजर के पास होती हैं। एबिगेल ये सब सुन के बहुत हैरान हो जाती है। स्पेंसर उसे बताता है कि हर स्ट्रेंजर को अपनी पावर्स यूज करने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है और उसे भी एक इंजन यूज करना होगा जिसकी हेल्प से वो अपनी पावर्स यूज कर सकेगी। एबिगेल स्पेंसर की एक मैजिकल डिवाइस को गलती से ट्रिगर कर देती है और पूरे एरिया में उसकी मैजिकल पावर्स नजर आने लगती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनाथन भी एक स्ट्रेंजर था लेकिन उसकी वाइफ नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए गैरेट जोनाथन को अपने साथ ले गया था और एबिगेल और उसकी वाइफ को नॉर्मल समझते हुए छोड़ गया था। जोनाथन के दिए हुए लॉकेट पहनने की वजह से एबिगेल की पावर्स हिडन रहती थी और कोई पहचान नहीं पाता था कि वो एक स्ट्रेंजर है। लेकिन हमले के दौरान लॉकेट के उतरने की वजह से स्ट्रेंजर्स उसे पहचानने लगे थे। उसी एरिया में एक स्ट्रेंजर जिसका नाम बेल है स्पेंसर से मिलने आता है। दरअसल वो हुडेड मैन बेल ही होता है। वो गैरेट को रोकना चाहता है इसलिए उस पर अटैक करता रहता है। उस दिन एबिगेल को फेंट देख के वो उसे अपने एरिया में ले आया था क्योंकि वो पहचान गया था कि एबिगेल एक स्ट्रेंजर है। बेल स्पेंसर को बताता है रोज रोज उसकी टीम का एक मेंबर गार्ड्स अरेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से गैरेट पर अटैक करने के लिए उसकी टीम कम हो रही है। स्पेंसर बेल को कहता है वो एबिगेल को ट्रेन करे क्योंकि एबिगेल के पावर्स गैरेट के अगेंस्ट लड़ने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। बेल फौरन एबिगेल को ट्रेन करना स्टार्ट करता है लेकिन एबिगेल अपनी पावर्स यूज करने में फेल होने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है और स्पेंसर को बताती है कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही। स्पेंसर उसे कुछ इंजन्स दिखाता है और बताता है कि ये इंजन्स
मैजिक यूज करने में स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं। हर स्ट्रेंजर का एक इंजन होता है, उसे भी अपना इंजन ढूंढना होगा। इसी दौरान वो अपने एक मैजिक लॉकर से पाइप निकालता है। तभी एबिगेल को याद आता है कि चाइल्डहुड में उसने अपने डैड को भी ऐसे ही लॉकर में कुछ रखते हुए देखा था। उसे लगता है उसका इंजन भी उसी लॉकर में होगा। एबिगेल सबसे छुपते हुए अपने घर आती है और अपने डैड का वो मैजिकल लॉकर खोलने में कामयाब हो जाती है। उसे लॉकर से एक इंजन मिलता है जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। इंजन के साथ ही उसे फ्लाइंग मशीन और फॉरेस्ट का ब्लूप्रिंट मिलता है। वो ब्लूप्रिंट के बारे में पता करने के लिए रॉय के पास जाती है और एक बार फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए उसे ब्लूप्रिंट का मतलब पूछती है। रॉय उसे बताता है कि फॉरेस्ट ही वो जगह है जहाँ सब स्ट्रेंजर्स कैद हैं। फॉरेस्ट में जाने के लिए उसे फ्लाइंग मशीन का यूज करना होगा और फ्लाइंग मशीन तक पहुँचने के लिए उसे एक टनल से गुजरना होगा। ये वही टनल है जहाँ वो ईथन को फॉलो करते हुए पहुँची थी और बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। रॉय एबिगेल के बार बार ब्लैकमेल करने पर उससे तंग आ जाता है और इससे पहले एबिगेल टनल पे जाने का सोचे वो गैरेट को एबिगेल के बारे में सब बता देता है। गैरेट फौरन एबिगेल को कैद करने का फैसला करता है। गैरेट एबिगेल को ट्रैप करते हुए पकड़ने ही लगता है। तभी वहाँ बेल आ जाता है और गैरेट के साथ लड़ने लगता है। लड़ते हुए बेल जमीन पर गिर जाता है। तभी एबिगेल अपना इंजन यूज करते हुए अपनी पावर से गैरेट पर अटैक कर देती है और बेल के साथ वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे बेल कहता है अब वो और वेट नहीं कर सकता और अपनी टीम के साथ गैरेट पर अटैक कर देता है। लेकिन गैरेट और उसकी टीम ने पहले से उनके लिए ट्रैप सेट करके रखा होता है क्योंकि बेल की एक फ्रेंड उसे धोखा देती है और गैरेट को उसका सारा प्लान बता देती है। उसे लगता था बेल के प्लान की वजह से सब स्ट्रेंजर्स मारे जाएंगे। गैरेट बेल और उसकी टीम को कैद कर लेता है लेकिन एबिगेल और कुछ स्ट्रेंजर्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एबिगेल सबको कहती है गैरेट अपने लोगों के साथ उन पर अटैक करने वाला होगा। वो उनको ट्रैप करेंगे और बेल और बाकी सब स्ट्रेंजर्स को बचा लेंगी। वो सब एक जगह छुप जाते हैं। जैसे ही गैरेट उनकी जगह पर हमला करता है वो सब टनल की तरफ निकल जाते हैं। गैरेट अपने गार्ड्स के साथ स्ट्रेंजर के प्लेस पर होता है इसीलिए टनल पर बहुत कम गार्ड्स होते हैं। स्ट्रेंजर्स गार्ड को मार देते हैं और टनल क्रॉस करते ही उन्हें बेल और उसकी टीम मिलती है। वो उन सबको वहाँ से बचाते हुए टनल के एंड पर जाते हैं जहाँ उन्हें फ्लाइंग मशीन नजर आती है। दूसरी तरफ गैरेट और उसके गार्ड स्ट्रेंजर्स के न मिलने पर फॉरेस्ट जाने के लिए निकलते हैं। सब स्ट्रेंजर्स फ्लाइंग मशीन में बैठते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। ये फ्लाइंग मशीन भी मैजिकल होती है इसीलिए अपनी डेस्टिनेशन पर खुद पहुंच सकती है। इस सीन में हम देखते हैं कि गैरेट ने एक मैजिक लेयर से अपनी सिटी को बाकी दुनिया से अलग किया होता है जिसकी वजह से फ्लाइंग मशीन सील तोड़ते हुए एक फॉरेस्ट में पहुंचती है। फॉरेस्ट में एक बिल्डिंग होती है जिसमें सब स्ट्रेंजर्स कैद किए गए होते हैं। इस बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा इंजन है जो सभी स्ट्रेंजर्स के वहाँ आते ही उनकी पावर्स छीन लेता है। इसी दौरान गैरेट अपने गार्ड्स के साथ बिल्डिंग में पहुँच जाता है और सब स्ट्रेंजर्स पर अटैक कर देता है। बिल्डिंग में मौजूद उस इंजन की वजह से स्ट्रेंजर्स अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाते और बुरी तरह हारने लग जाते हैं। तभी एबिगेल को बिल्डिंग में अपने डैड की बहुत सारी वॉचेस नजर आती हैं। वॉचेस देखते हुए वो अचानक से अपने चाइल्डहुड में चली जाती है जहाँ वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं उन्हें यकीन था वो एक दिन यहाँ जरूर आएगी। एक्चुअली जोनाथन एबिगेल को चाइल्डहुड से इस सब के लिए रेडी कर रहे थे। लॉकर में ब्लूप्रिंट रखते हुए उन्हें पता था एबिगेल उन्हें देख रही है और एक दिन वो उसे जरूर खोलेगी। जोनाथन उसे बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाई है जिसपे उसे अपनी पावर्स यूज करते हुए इंजन पर फोकस करके उसे डिस्ट्रॉय करना है। इंजन डिस्ट्रॉय होते ही सब स्ट्रेंजर्स को उनकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। यहाँ एबिगेल को पता चलता है कि ये डिवाइस बनाते हुए उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी वो प्रेजेंट में वापस आती है और सब स्ट्रेंजर्स को हारते हुए देखती है। वो अपने डैड की बनाई हुई डिवाइस पर अपनी पावर यूज करते हुए इंजन पर फोकस करती है और इंजन को ब्लास्ट कर देती है। इंजन में ब्लास्ट होते ही सब स्ट्रेंजर्स की पावर्स पूरे सिटी में फैल जाती हैं और हर इंसान में चली जाती हैं। यानी सिटी में अब हर इंसान स्ट्रेंजर बन जाता है। बिल्डिंग में मौजूद सभी स्ट्रेंजर्स की पावर्स वापस आ जाती हैं और सब मिलके गैरेट और उसके गार्ड्स को मार देते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं सिटी गैरेट के खौफ से आजाद हो जाता है। सब आजादी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। एबिगेल अपने डैड की डेथ से
उदास होती है, लेकिन उसे अपने डैड पर प्राउड होता है क्योंकि उन्होंने सब स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। बिल और एबिगेल हग करते हैं और इस हैप्पी मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है।